हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर। हार्टी कर्नर के टेस्टी कर्नर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे भिंडी फ्राई, जो कि बहुत इजीली बन सकता है और बहुत हेल्दी भी होता है। सबसे पहले हम कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें सरसों का तेल 2 टेबलस्पून डालेंगे। तेल अच्छे से गरम हो जाए, धुआं उठ जाए, उसके बाद हम मस्टर्ड सीड्स 1/2 टेबलस्पून और एक ड्राई रेड चिली तोड़ के डाल देंगे। इसे अच्छे से फूटने दीजिए। फिर एक छोटा प्याज कटा हुआ हम इसमें डालेंगे और लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। कम तेल में बनने वाला और कम सामान से बनने वाला ये इजी रेसिपी है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो या तो बीमार है या फिर तेल मसाले से परहेज करते हैं, या फिर फीवर में भी आपको ये वाली भिंडी मसाला, भिंडी फ्राई बहुत अच्छा लगेगा। हम आंच कम ही रखेंगे और फिर 500 ग्राम छोटे कटे भिंडी हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और फ्राई करेंगे ताकि भुनते हुए भिंडी भी हमारा पक जाए। और हाँ, इसे ढकना नहीं है, खुला ही आपको फ्राई करना है। एकदम कम आंच में आप इसे फ्राई करते रहें। इसमें आपको 15 से 20 मिनट तक लग जाएंगे। बीच बीच में चलाते हुए हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा सा इसका कलर चेंज ना हो जाए और ऑयल अलग से ना दिखने लगे। फीवर हो या फिर तबीयत खराब हो या फिर जल्दी से झटपट कुछ बनाने का मन करे, तो आप ये भिंडी फ्राई आसानी से बना सकते हैं। इसमें क्योंकि भिंडी फ्राई करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो इस बीच आप आराम से कुछ और काम भी कर सकते हैं। पर इसे कम आंच में बिना ढके ही आपको फ्राई करते रहना है। कुछ देर फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो चिपचिपाहट है वो धीरे धीरे जा रहा है और ऑयल अलग से दिखने लगा है। तो अब टाइम है हमें इसमें 2 कटे हुए पटाटो डालना है। आलू छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसमें डालिए। अब ढक के थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर आप नमक ऐड करके इसको आलू को पूरा पकने दीजिए। भिंडी हमारा पक चुका है, आलू अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। मसाले मतलब खाली हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1/4 टीस्पून और अमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून ही डालना है। अमचूर पाउडर इसको एक खट्टापन देगा, स्लाइटली खट्टा करेगा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में। इतना फ्राई करेंगे भिंडी को कि जो आलू है वो थोड़ा सा गोल्डन क्रस्ट लेके दिखाई देगा। बीच बीच में चलाते हुए इसे पकाते जाएं। अब हम चेक करेंगे पटाटो पूरी तरह पका है कि नहीं। याद रखें, पटाटो पूरा पक चुका है, उसके बाद हमने आमचूर पाउडर डाला है, खटाई पहले नहीं डालेंगे। तो बस आपका भिंडी फ्राई रेडी है, हॉट रोटी या चपाती के साथ इसे खाने के लिए। तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू।